नहीं जी, रामा लेक से हम अस्तौर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे खाना शाना खाएंगे तो आगे इंशाल्लाह चिलम चौकी की तरफ निकलेंगे। अस्तौर से चिलम चौकी की तरफ हमारा सफ़र का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चिलम चौकी पे हमारा प्रोग्राम है रात रुकने का, वहाँ से जीप वगैरह का वहाँ से इंतज़ाम करेंगे। क्यों गुराया साहब का टायर खराब हो गया बाइक का, ये चेंज करवाने लगे हैं, रुकना पड़ गया थोड़ी देर, इंशाल्लाह चेंज करके फिर आगे निकलते हैं। यहाँ पे काफी टाइम लग गया हमारा, इरफान भाई की बाइक का टायर फट गया था तो वो टायर लेने के लिए बंदा गया अस्तौर शहर वापस और फिर ले के आया, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से इंशाल्लाह, तो अब आगे कहीं जाके देखते हैं, स्टे करते हैं अच्छी सी जगह पे दरिया के किनारे पे, तो फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। यार बहुत खूबसूरत रोड है, अस्तौर से चिलम चौकी मैं तीसरी दफ़ा जा रहा हूँ तो बस दिल करता है इसी रोड पे बाइक चलाते रहें, इतना ज़बरदस्त रोड, इतने नज़ारे। राइट साइड पे दरिया है थ्रू आउट और लेफ्ट साइड पे पहाड़ हैं, ग्रीन सब्ज़, बिल्कुल लश ग्रीन पहाड़, बीच में गांव आ जाते हैं बड़े खूबसूरत, और दरिया के उस पार भी गाँव आते हैं कभी कभी बीच में, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। बस दिल करता है इस रोड पे सफ़र ही करते रहें, इतना मज़ेदार रोड, क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। जी इस तौर से चिलम चौकी जाते हुए यहाँ पे दरिया के किनारे पे ब्रेक लगाई है हमने, और ठंडी हवा चल रही है, गर्मी में यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी था लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर भी कम है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और ये देखे जनाब तनवीर साहब क्या कर रहे हैं, आम ठंडे होने लगे हैं। हाँ जी, और ये देखे बिल्कुल समुंदर का किनारा लग रहा है जनाब, क्या माहौल है, तो दोस्तों का इंतज़ार हो रहा है, सूरज के आगे बादल आए हैं, थोड़ा धूप की तपश कम हुई है, कुछ पानी की ठंडक है, इतना बड़ा माहौल है। ओए होए होए होए, सुकून आ गया यार, पानी में पांव रखे हैं, ठंडा यख पानी है लेकिन मज़ा आ गया एकदम। ये देखें जी मैंगो पार्टी हो रही है दरिया के किनारे पे, और देखें जनाब, ये देखें जनाब,
ये मैं हूँ, ये हैं गिराया साहब। पैयो देखे जी, फोटोग्राफी हो रही है दरिया के किनारे, बड़ा मज़ा है जी यहाँ स्टे करने का, और बड़ा ठंडा माहौल और बेहतरीन आप रेस्ट हो गई है, मैंगो पार्टी भी हो गई है, दोस्त आ गए हैं, पीछे रह गए थे और टाइम का गुस्सा बन गया था, दोस्त आ गए तस्वीर वगैरह बना रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह निकलने लगे आगे तो फिल्म चोटी पर इंशाल्लाह चिलम चौकी पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, अभी मगरिब में काफ़ी टाइम है तो कमरा हमने ले लिया और इंशाल्लाह सुबह उन्हें मर के लिए खाना होंगे, भी जीप करवाएंगे तो देखते हैं जीप कितने पैसे लेती है, आप ये भी शेयर कर देंगे जीप में कितना लिया। 2000 रुपये में कमरा हमने लिया पर नाइट यहाँ पर चिलम चौकी पर, तो इंशाल्लाह मेरे पीछे आप चिलम चौकी नज़र आ रही है, इस साइड से आए हैं हम, यहाँ पे कमरा लिया है, साथ ही बाइक खड़ी कर रहे हैं और इस साइड पर हम जाएंगे, ये चिलम चौकी है। एक छोटा सा होटल है चंद कमरे हैं इनके पास नॉर्मल से, तो यही बेहतरीन ऑप्शन है, कैंपिंग का इंतज़ाम है हमारे पास, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है इधर होती है, अभी से टेम्परेचर जो है वो भी 14-15 पे आ गया है, रात को ज़ाहिर है माइनस भी हो सकता है या 8-9 पे आएगा तो मुश्किल होगी कैंप में, हमने कमरे ले लिए हैं इंशाल्लाह, खाना छाने का भी इंतज़ाम है यहाँ पर, तो अभी देखते हैं खाना जो भी होगा फिर आपको शेयर करते हैं। ये लें जी चिलम चौकी, आप इसमें लड़ना नहीं यार, खाना शुरू हो रहा है, मटन याक मटन और दाल माश, और रोशनी कम है इधर इसलिए चेहरे दरा, यार दाल माश मदद नहीं मदद दुकान दुकान यार यार
ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਲ ਲਓ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਜਾਈ ਖਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡਾਈ ਆ जी आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं इंशाल्लाह रैम्बो लेक दुमेल मिनी मर्ग इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।